हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली मज़ेदार सी एक रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो जब भी आपके पास बहुत ही कम समय हो तो आप फटाफट से ये नाश्ता बना करके रेडी कर सकते हैं जल्दी से। यकीन मानो, ये नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, चटपटा और बहुत ही क्रिस्पी, करारी ऊपर से और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और मज़ेदार। तो चलिए फटाफट से बना कर खीर रेडी कर लेते हैं ये मज़ेदार सा नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए होगा बॉइल आलू। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 4 आलू को अच्छी तरीके से बॉइल कर लिया है। उसके बाद से हम लोग इसे फॉर्क की हेल्प से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। ये फॉर्क से बहुत ही ईजिली मैश हो जाता है, तो ये इसे यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद से हम लोग इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। उसके बाद से हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा साबुत जीरा और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। धनिया पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम लोग सारी चीज़ें डालने के बाद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये इसे यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद से यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर के रेडी है। हम लोग यहाँ पर घोल बना करके रेडी करेंगे। तो अब एक मिक्सिंग बाउल में 2 बड़ी चम्मच बेसन ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब चावल का आटा। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है नाश्ते में। थोड़ा सा हम लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक। नमक हम लोग इसमें कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इस स्टफिंग में नमक पहले से यूज़ कर रखा है। अब बस हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से अब हम लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक स्लरी बना करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक ही बार पानी का यूज़ ना करें। यहाँ पे ना घोल हमें ज़्यादा पतली बनानी है और ना ही ज़्यादा मोटी। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक घोल बना करके रेडी कर ली है। अब बस मैं इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर दूँगी और सोया के पत्ते। ऐड करने के बाद से इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सच में फ्रेंड, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा घोल बन करके रेडी है। यहाँ पर आप इस कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी, ये देखिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब हमें इस स्टफिंग का टिकिया बना करके रेडी करना है। तो इस तरीके से एक चम्मच में स्टफिंग लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा करके अच्छी तरीके से इसे चिकना करते हुए गोल टिक्की इस तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब बस ऐसे ही स्टफिंग लेंगे और टिक्की बना करके रेडी करते जाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने ढेर सारी स्टफिंग से टिक्की बना करके रेडी कर ली है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग एक टिक्की लेंगे और यहाँ पे जो हमने घोल बना करके रखी हुई थी टिक्की को उसमें डिप करेंगे और अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मैंने तेल को पहले से गर्म करने के लिए रखा था। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम लोग मीडियम कर देंगे फ्लेम को और गर्मा गर्म तेल में अब बस नाश्ते को डालेंगे और छान करके रेडी कर दे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसे छानते वक्त गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसे तेल में बढ़िया तरीके से छान लेना है। तो ये लेसे यहाँ पे एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये थोड़ा सा आपको फुला फुला दिखेगा। गर्मा गर्म तेल में जाते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल टिक्की हमारी बढ़िया तरीके से फूल रही है और बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा लगभग नाश्ता बनकर की रेडी है। अब बस हम लोग इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता। तो चलिए फटाफट से अभी से सर्व करते हैं। आप इस नाश्ते को ऐसे गर्मा गर्म खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी ये नाश्ता बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको घर में बहुत पसंद आएगा और बहुत ही फटाफट से बनकर के रेडी हो जाता है। तो जब भी आपको अपने बच्चों के लंच के लिए या सुबह शाम की चाय के साथ खाना हो कुछ, तो ये बना करके खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंजॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी लेके। ये रेसिपी कच्चे आलू और गेहूँ के आटे से बनकर की रेडी होती है और सच में ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही क्रिस्पी और करारी है। ये देखिए,
अगर इसे एक बार बना करके खा लिया तो बार बार यही नाश्ता बना करके खाएंगे। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए होगा एक बड़ी साइज का कच्चा आलू। इसे मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है। अब हम लोग इसे पानी में अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर से मोटी वाली साइड से अच्छी तरीके से आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को डायरेक्ट पानी में ग्रेट करने से आलू काले नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल इस तरीके से एकदम व्हाइट के व्हाइट रहेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम लोग एक से दो पानी अच्छी तरीके से आलू को धुल लेंगे और यहाँ पे मैंने धुलने के बाद से एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में हम लोग डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाए हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जैसे चटक जाए हम लोग इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तेल डालेंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद तेल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं। थोड़ा सा हम लोग चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम लोग अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे तेल में। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लिया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद से हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने जो आलू को ग्रेट करके रखा हुआ था हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से आलू को पकने देंगे पानी में। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम था और आलू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दिखने पे ही पता चल रहा है कि आलू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे नाश्ता हम लोग बिल्कुल हेल्दी बना रहे हैं घर की चीज़ों से, तो इसलिए आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसे बढ़िया तरीके से इसमें मिला लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें मिला लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आटा इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम लोग गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और एक मिक्सिंग बाउल में इसे अलग से निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ताकि हम लोग के हाथों से ये टच हो सके, तब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए आटे की तरह गूंथ करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे आटा लगा करके रेडी कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। बस हमें आटे में से छोटी छोटी लोई इस तरीके से लेनी है और हाथों से इस तरीके से चिकना करते हुए बॉल बनाते जाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और ये बहुत ही आसानी से बनकर के रेडी हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने ढेर सारे बॉल बना करके यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले से गर्म करने के लिए रखा था, तो हाई फ्लेम पे मैंने पहले तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बनाए हुए बॉल इसमें डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, सच में ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी आपके पास बहुत ही कम समय हो और फटाफट से कुछ अच्छा और टेस्टी बनाना हो बच्चों के लिए, घर में सबको खिलाने के लिए, तो ये नाश्ता आप बना करके ज़रूर खिला सकते हैं। साथ ही साथ ये हेल्दी है और घर की चीज़ों से भी बनकर के भी रेडी हो जाती है। तो अब बस बॉल को उलटते पलटते हुए दोनों साइड से क्रिस्पी करारी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे, जब तक एक प्यारा सा सुनहरा कलर ना आ जाए। और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है और दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी करारी दिख रहा है। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर की रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आया है। दिखने में ही बिल्कुल क्रिस्पी करारी बॉल्स दिख रहे हैं। अब बस हम लोग इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। तो देखा ना आपने इस नाश्ते को बनाना कितना आसान था। यहाँ पे मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना क्रिस्पी, आप आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनकर के रेडी हुआ है और फटाफट से भी बनकर के रेडी हो जाता है और सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये नाश्ता गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बना करके रेडी किया है। तो आप भी बना करके अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।